हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का सेवन्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? देर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड का एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को इसका एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि को क्या लगते हैं? 12 मिनट्स लगते हैं। कैसे? जैसे ये इस ढंग से सर्कुलर पाथ है, ऐसे हैं, यहाँ से स्टार्ट होती, मान लो सोनिया स्टार्ट होती है, और सोनिया को कितना टाइम लगता है एक चक्कर लगाने में, एक राउंड में? 18 मिनट्स। और रवि भी यहीं से अगर स्टार्ट होता है, वो कितना टाइम लगाता है आपका? 12 मिनट्स लगाता है। तो 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, एंड एट द सेम टाइम पे, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी सेम है दोनों की, यानी दोनों यहाँ से स्टार्ट हुए, जैसे दोनों ने यहाँ से स्टार्ट किया घूमना, ऐसे चक्कर लगाना शुरू किया, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए और एक ही डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं, दोनों ऐसे चल रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। उस स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट के बाद दोबारा से मिलेंगे? अब फर्स्ट राउंड में तो नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि सोनिया ने टाइम कितना लगाना है? 18 मिनट्स। रवि ने कितना लगाना है? 12 मिनट्स। तो रवि तो 12 मिनट्स के बाद दोबारा फिर आ जाएगा इसी पॉइंट पे। सोनिया इस पॉइंट पे आने में कितना टाइम लगाएगी? 18 मिनट्स लगाएगी। वैसे आप सीधे वैसे कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे? देखिए, रवि ने एक राउंड लगाता है, कितना टाइम लगा देगा? 12 मिनट्स। सेकेंड राउंड में कितने हो जाएंगे इसके? 24। थर्ड राउंड में कितने हो जाएंगे? 36। तीन राउंड लगा देगा 36 में। ऐसे सोनिया जब चलेगी, सोनिया एक राउंड के 18 मिनट्स और टू राउंड जब हो जाएंगे जहाँ 36 मिनट, यानी कि सोनिया दो राउंड लगाएगी इतने 36 मिनट के बाद, 36 मिनट में, और रवि तीन राउंड लगा देगा 36 मिनट में। इसका मतलब क्या हुआ कि 36 मिनट के बाद दोनों इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। वो अलग बात है कि रवि ने उस टाइम पे तीन राउंड लगा दिए हैं और सोनिया ने दो राउंड लगा दिए हैं। इट मीन्स दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट एट द सेम पॉइंट। बाकी इसको न्यूमेरिकल में करेंगे क्या हम? इसके न्यूमेरिकल में इस तरह का जब क्वेश्चन आता है, जब सेम डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ में जब वो राइड कर रहे हैं, तो उस केस में अपने को निकालना होता है एलसीएम। तो कैसे क्वेश्चन देखिए, अब करना ये है आपको, जो आपने करना है वो ऐसे करना है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, रवि टेक्स 12 मिनट्स, दे विल मीट आफ्टर, कब मिलेंगे? एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 12 और 18 के एलसीएम जो भी आएगा उतने मिनट के बाद मिलेंगे। अब एलसीएम तो निकालना सीख रखा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से, 18 का 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा, ऐसे 12 का निकालेंगे तो 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। इट मीन्स 12 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3 × 1 और 12 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 1। 18 वाले प्राइम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं हम? जो है 2 × 3 की पावर 2 × 1 और 12 की क्या लिख लें? 2 की पावर 2 × 3 × 1। तो इनका एलसीएम फिर क्या हो जाएगा? एलसीएम, एलसीएम में पता क्या होता है? जो मैक्सिमम पावर होती है, जैसे 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 की पावर 2। तो एक तो हो जाएगा 2 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2 है यहाँ पे, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो यहाँ के मैक्सिमम पावर लिखेंगे हम जो है 3 की पावर 2। 1 को लिखना देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर 9 है, एंड 4 9 जा 36। तो इसमें इट मीन्स कितने टाइम के बाद मिलेंगे आपके? 36 मिनट के बाद एक दूसरे को सेम पॉइंट पर सोनिया और रवि मिलेंगे एक दूसरे को। दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट एट द सेम पॉइंट। क्लियर है? थैंक यू।